हेलो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब कार्ड्स के बारे में कि यूट्यूब कार्ड्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं और यूट्यूब कार्ड यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि यूट्यूब कार्ड क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। YouTube कार्ड को सिंपल भाषा में समझे तो YouTube वीडियो के कोने में जो आई बटन आता है या एक छोटा सा सेंटेंस आता है, उसे YouTube कार्ड कहते हैं। आप YouTube कार्ड्स का यूज करके अपनी किसी भी पुरानी वीडियो को अभी अपलोड कर रहे वीडियो से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने पहले कोई पार्ट वन वीडियो बनाई, फिर पार्ट टू बना रहे हो, तो आप पार्ट वन की वीडियो को पार्ट टू से जोड़ सकते हो। जैसे आपने कई यूट्यूबर्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके पार्ट वन देख सकते हो, और उसी आई बटन को यूट्यूब कार्ड्स कहते हैं। यूट्यूब कार्ड्स का यूज़ करके आप अपने यूट्यूब वीडियो पर व्यूज़ बढ़ा सकते हो और अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो। अब देखते हैं वीडियो पर यूट्यूब कार्ड्स को कैसे ऐड करें। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इसके लिए आपको गूगल क्रोम में यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है, फिर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ आपको कंटेंट में जाना है और यहाँ आपको जिस वीडियो पर कार्ड्स लगाना है उस वीडियो पर क्लिक करें, फिर पेंसिल के आइकन पर क्लिक करें और यहाँ आपको YouTube कार्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और आपका YouTube कार्ड्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आप वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल, इनमें से कोई भी कार्ड्स ऐड कर सकते हो या सारे भी ऐड कर सकते हो। इस लाइन से आप चूज कर सकते हो कि अपने वीडियो पर किस जगह कार्ड ऐड करना है। जैसे मुझे इस जगह कार्ड को लगाना है तो मैं इस लाइन को यही रखता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये लाइन जिस जगह रहेगी, वीडियो में कार्ड भी उस जगह ही लगेगा। फिर वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ आपकी सारी वीडियो आ जाएगी और आपको जो भी वीडियो ऐड करनी है उसे सेलेक्ट करना है। अब कस्टम मैसेज में वॉच नाउ या वॉच नेक्स्ट लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें। जैसे मैं यहाँ पर वॉच नेक्स्ट लिखता हूँ। और टीजर टेक्स्ट में आपको उस वीडियो का नाम 30 वर्ड में लिखना है जिसे आपने सेलेक्ट किया है। जैसे मैं यहाँ क्रिएट पीडीएफ वेरी फास्ट लिखता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका कार्ड वीडियो में कुछ ऐसा लगेगा। यहाँ आप इस आइकन को देख सकते हैं, इसका मतलब कि आपका कार्ड वीडियो पर लग चुका है। इस तरह आप एक ही वीडियो में 2 से 3 कार्ड्स भी लगा सकते हैं, जो भी आप चाहें। अब आपको सेव पर क्लिक करना है। अब आपका कार्ड ऐड हो चुका है। अब आप कंफर्म के लिए इस वीडियो में देख सकते हैं कि आपका कार्ड लग चुका है। आप भी अगर यूट्यूबर है तो आप अपने वीडियो में कार्ड्स का यूज जरूर करें, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। सही बात है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।